Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, this is Jaspreet and in this video I'm going to discuss about the new sample answer of the new cue card. As you all know that the final version of the speaking of September month to December month is already updated. So in this video I'm going to discuss the new cue card. The name of that topic is describe a time when you saw a lot of plastic waste. ठीक है आपने वो टाइम डिस्क्राइब करना है कि जब आपने बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को देखा था एग्जाम्पल पार्क भी ले सकते हो वी बीच भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो ठीक है यू हैव टू एक्सप्लेन दी क्यू पॉइंट्स फर्स्ट इज वेयर एंड वेन यू सो प्लास्टिक वेस्ट कहाँ पे और कब देखा था आपने प्लास्टिक वेस्ट वाई देर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्यों था वहां पे इतना वट यू डिड डू आफ्टर यू सॉ इट

मेरी लाइफ के लिए भी थ्रेट है प्रॉब्लम है इसके उपाड़ में मैंने उस टाइम पीरियड की बात करनी है जब मैंने प्लास्टिक वेस्ट देखा था पार्क में दैट पार्क इज लोकेटेड इन दार्ट ऑफ माई सिटी मेरी सिटी के सेंटर में वो पार्क लोकेटेड है इवन दो आई हैव अ हैक्टिक स्केडूल इन माई लाइफ चाहे मेरा हैक्टिक लाइक बेजिक स्कैड्यूल है मेरी लाइफ में बिकॉज ऑफ माई स्टडीज मेरी स्टडीज़ के रिगार्डिंग बट लास्ट वीकेंड आई गॉट एन अपरचुनिटी टू विजिट सफारी पार्क विद माई कज़न्स ठीक है बट लास्ट वीकेंड में मुझे एक ऑपरचुनिटी मिली थी सफारी पार्क में जाने की मेरे कज़ंस के साथ इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन माई होम टाउन ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेरे होम टाउन में आई वेंट देयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं कब गया था वहाँ पर मतलब बहुत लंबे टाइम बाद गया था वेन आई रीच देयर जब मैं वहाँ पर पहुंचा आई सॉ दी वर्स्ट कंडीशन ऑफ द पार्क मैंने क्या देखा वर्स्ट कंडीशन देखी पार्क की विच वॉज फुल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो भरी पड़ी थी प्लास्टिक वेस्ट के साथ मोर ओवर देर वर नो डस्टबिन अवेलेबल कोई डस्टबिन अवेलेबल नहीं था वहाँ पर आई गॉट अस्टॉनिश्ड वेन आई सॉ दीप्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स गारबेज एंड पैकेट्स ऑफ ईटेबल आइटम मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ तब जब मैंने देखा कि वो ढेर पड़े हैं प्लास्टिक वेस्ट के गारबेज के जो पैकेट्स होते हैं ईटेबल आइटम्स के उनके दैट हीप्स ऑल्सो डेंजरस फॉर द पीपल हु आर लिविंग नियर दी पार्क जो वो ढेर पड़े थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे उन लोगों के लिए जो वहाँ पे नज़दीक रह रहे थे बिकॉज इट क्रिएटेड न्यूमरस हेल्थ डिसीज बिकॉज ये उस टाइम उसने उस चीज ने जो हीप्स पड़े थे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी ऑल दो इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस चाहे वो टूरिस्ट प्लेस थी देर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस वहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे क्लीनिंग प्रोसेस को लेके अपार्ट फ्रॉम दिस नॉट एनी टाइप ऑफ स्टेप वॉज टेकन बाई लोकल अथॉरिटीज इसके अलावा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था लोकल अथॉरिटी की तरफ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रियली इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे लिए इट वॉज टू अनएक्सपेक्टेड आई थिंक पीपल शुड स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर from मिनरल वाटर बॉटल्स इफ़ there इज़ नो no cleaning alternative अवेलेबल मुझे लगता है कि लोगों को जो वाटर बॉटल से पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर उन्हें बंद कर देना चाहिए अगर कोई cleaning प्रोसेस का alternative है ही नहीं हमारे पास वैन आई केम बैक my होम आई also रोट अ लेटर टू लोकल अथॉरिटी जब मैं घर वापस आया तो मैंने एक लेटर भी लिखी लोकल अथॉरिटी को टू टेक strict एक्शंस अगेंस्ट दैट मैटर as सून एज पॉसिबल ताकि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकें उस मैटर के रिगार्डिंग जल्दी से जल्द देयर शुड बी अ लॉ इन दी सफारी पार्क ऑन दी टूरिस्ट सच एज दूर एवर दे थ्रो एनी वेज थिंग्स देयर दे हैव टू पे फाइन फॉर इट एक लॉ भी होना चाहिए सफारी पार्क में जब भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं जब वो फेंकते हैं कोई भी बॉटल वगैरह कोई भी वेस्ट थिंग उन्हें फाइन पे करना पड़े सो दिस वॉज अ टाइम वेन आई सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज सो यही टाइम पीरियड था जब मैंने बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट देखा था पार्क में सो वाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो अपलोड दी Follow up this cue card. So, if you have any doubt, any query in any follow up in any cue card, you can tell me in the comment section. So, guys, thanks for watching this video.